हेलो, मेरा नाम अंकित सिंह है और मैं आपको अंकित क्लासेस से आपका स्वागत करता हूं। आइए, अगला टॉपिक हमारा है कुलाम्स लॉ, यानी कि कुलाम का नियम। तो कुलाम का नियम कहां से आया, आपने देखा, आप जानते भी हो, जब हम दो चार्ज प्लस और प्लस को समीप लेके आते हैं तो हमेशा इनके बीच क्या होता है, रिपल्सन होता है, यानी कि प्रतिकर्षण होता है। या माइनस माइनस लेके आते हो तब भी इनके बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण। लेकिन जब प्लस लेके आते हो और माइनस लेके आते हो तो इनके बीच क्या लगता है, इनके बीच आकर्षण बल लगता है। क्लियर है? उसी बेस पे कुलाम ने एक नियम दिया जिसे हमने कह दिया कुलाम का नियम। आइए जानते हैं कुलाम का नियम क्या होता है। कुछ थ्योरीज हैं, आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। इसको हम समझाते हैं कि क्या है ये नियम। ठीक है, तो आपने लिख लिया होगा, तो आइए समझते हैं कुलाम। अगर दो आवेशों को पास लेके आया गया तो हमेशा उनके बीच दो स्थितियां पॉसिबल है, या तो उनके बीच प्रतिकर्षण होगा या तो उनके बीच आकर्षण होगा। तब दोनों स्थितियों में एक बल कार्य करता है उन पर, या तो आकर्षण बल या तो प्रतिकर्षण बल। तो कुलाम ने उन्हीं बल को निकालने का एक फार्मूला दिया जिसे कह दिया गया विद्युत बल या कुलाम बल। क्लियर है? क्या कहा गया, या तो विद्युत बल कहा गया या तो कुलाम बल कहा गया। आपसे जब मैं पूछ सकता है विद्युत बल क्या होता है, इसको डिफाइन करिए, इसके फार्मूले को उत्पन्न कीजिए, तो सेम चीज़ है, कुछ अलग नहीं है। आपको चाहे विद्युत पे पूछे चाहे कुलाम का नियम पूछे, दोनों चीज़ एक ही होता है। क्लियर है? बात समझ आ रही है? अब ये कुलाम का नियम होता क्या है, ठीक है, ये कुलाम का नियम होता क्या है, आइए इसको समझते हैं। कुलाम्स के नियम अनुसार दो आवेश, ठीक है, आइए समझते हैं क्या होता है ये। कुलाम्स के नियम अनुसार माना दो आवेश कौन कौन से, Q1 व क्या है Q2, कुछ दूरी r पे क्या है ये स्थित है। Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पे क्या है स्थित है। अब इनके बीच क्या पॉसिबल है, हो सकता है इनके बीच आकर्षण लगे या प्रतिकर्षण, वो डिपेंड करता है इनके चार्ज की स्थिति पे। ये कैसा इनका नेचर है, पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है। क्लियर है? तो इन्होंने जो नियम दिया, इन्होंने कहा दो स्थिर आवेशों, दो स्थिर बिंदु के बीच, ठीक है, दो स्थिर बिंदु मान लीजिए क्या है, ए और बी है, ठीक है, इस पे आवेश क्या रखे हमारे Q1 और Q2 के, दो स्थिर बिंदुओं के बीच अगर कोई क्या कर रहे हैं, हम आवेश Q1 और Q2 रखे हैं, तो इस पे जो लगने वाला बल है F, वो हमेशा इनके गुणनफल यानी Q1 और Q2 के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है, और इनकी जो बीच की दूरी है, ठीक है, आर, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही हमारा क्या है, कुलाम्स लॉ है, ठीक है। तो हम अपने शब्दों में बोल सकते हैं कुलाम्स की जनरली ये थ्योरी बुक से लिखा गया है, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं कुलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होती है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही हमारा कुलाम्स लॉ है। क्लियर है? तो मैं लिख दिया आवेशों के गुणनफल के बल जो होता है समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। आइए थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं। तो अगर इस दोनों फार्मूले को हम कंबाइन कर दें तो हम पाएंगे प्रोपोर्शनल क्या आ गया, Q1 इंटू Q2 बटे R का स्क्वायर। अब जानते हैं जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं एक कॉन्स्टेंट K लगाते हैं, तो क्या आ गया Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। ये होता है हमारा कुलाम का बल। क्लियर है? K का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/4πε0, ठीक है, इसकी जो अंक में वैल्यू होती है वो 9×10⁻¹। क्लियर है? ये होती है, ठीक है, K की वैल्यू जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं कांस्टेंट K लगाते हैं, K की वैल्यू 1/4πε0 और इसकल टू 9×10⁻¹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर। ये होता है हमारा इसका मात्रा। क्लियर है? ठीक है, अब ये वैल्यू क्या करते हैं, इसमें हम पुट कर देते हैं तो हम पाते हैं F इजकल टू 1/4πε0 और Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। ये आपका कुलाम का मेन फार्मूला है। क्लियर है? अब इसकी वैल्यू पर उठा क्या कर इसमें पुट करते हैं तो मिलता है आपको F इजकल टू
नाइन गुणे दस की घात नाइन और क्यू वन क्यू टू आर का स्क्वायर। क्लियर है, इस फार्मूले को ड्राइव कर लीजिए। अगर आपको समझ में ना आया हो तो वीडियो को रिवर्स करके ज़रूर देखिएगा। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आइए जो हमने कांस्टेंट के लगाया था उस कांस्टेंट के को क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युत नियतांक बोलते हैं। ठीक है, और वहाँ पे जो हमने एप्सिलॉन जीरो लिखा था उसको बोलते हैं निर्याप या वायु की विद्युतशीलता बोलते हैं। क्लियर है, और जो एप्सिलॉन नॉट यानी कि ई जीरो का जो मान होता है वो होता है 8.85 × 10^12 - 12 न्यूटन कूलम का स्क्वायर प्रति मीटर, कूलम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर है, इसकी बीमी फार्मूला होता है एम पे वन एल पे थ्री माइनस थ्री टी पे फोर और ए पे टू। क्लियर है, इसकी क्या होती है, बीमा होती है। इसे भी राइट डाउन कर लीजिए, एक नंबर में पूछा जा सकता है। क्लियर है, नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं एक न्यूमेरिकल है, इस पर कूलम्स के नियम पे हम सॉल्व करते हैं। दो बिंदु आवेश 4 कूलम और 2 कूलम एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हों तो इनके बीच विद्युत बल की गणना कीजिए और बल का क्या करिए, नेचर बताइए। नेचर का मतलब क्या होता है, कैसे बल लगेंगे, प्रतिकर्षण लगेगा कि आकर्षण लगेगा, वो तो आप यहाँ से देख के बताइए। चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो आपको बताया था ना पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो उनके बीच हमेशा क्या लगेगा, हमेशा उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्लियर है, ठीक है, आइए हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप वो करेंगे जो इसमें दिया है, सबसे पहले आपका यही काम होगा, जो दिया है उसको लिख लिए। तो आपको क्या दिया है, Q1 कितना 4 कूलम, Q2 कितना दिया है 2 कूलम। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो आप दूरी दे रखी है R बराबर, ये हमेशा आप मीटर में लेंगे। तो 4 सेंटीमीटर में तो आपको क्या करना है, 4 × 10^-2 से मल्टीप्लाई कर देना है और मीटर लिख देना है। क्लियर है, क्या करते हैं जनरली 100 से भाग करते हैं तो ऊपर जाता है -2 जाता है। क्लियर है, ठीक है, आइए अब कूलम्स के नियम के अनुसार जो सूत्र हमने निकाला वो क्या होता है, एफ इक्वल टू 1/4πε₀ और क्या होता है क्यू वन क्यू टू बटे आर का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इसका मान पता आपको क्या होता है, 9 × 10^9, क्यू वन का मान कितना है 4 × 2 और आर का मान कितना है 4 × 10^-2 का क्या हो गया स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात, ठीक है, अगर सॉल्व करते हैं तो एफ इक्वल टू क्या गया 9 × 10^9 और कितना गया 4 × 2 और नीचे 4 × 2 कितना आ गया 16 और यह 10^-4 आ गया। इससे कटेगा कितनी बार में, 4 बार में, फिर इससे कटेगा कितनी बार में, ये 2 बार में, तो बचा क्या एफ इक्वल टू 9/2 × 10^9 यहाँ पे 9 है और नीचे -4 है तो ऊपर जाएगा +4 जाएगा। ठीक है, इसे डिवाइड कर देंगे तो आगे एफ इक्वल टू 4.5 × 10^13 न्यूटन का क्या लगेगा, उस दोनों आवेशों के बीच इतना 4.5 × 10^13 का क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्लियर है, इतना राइट डाउन कर लीजिएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर ज़रूर करिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच, राइट डाउन कर लीजिए।